हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड बस दो तीन हफ्ते ही बाकी है हमारे इंडिया वर्सेस कुवैत का जो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर चालू होने वाला है वो। और अभी यार ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोलकीपर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन गोलकीपर्स के बारे में। अभी प्रोबेबल स्कोर में अगर आप देखोगे 4 गोलकीपर्स हैं हमारे पास, और हर एक फैन का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। कोई बोल रहा है कि भाई कैसा है कि 2 मैच बाकी है तो हम लोग एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहिए। कोई लोग बोल रहे हैं कि भाई नहीं, हम लोग यंग जवान लॉन्डे लोग को, विशाल के हो गया या तो फुल बैनर चल हुआ, उनको स्टार्ट देना चाहिए ये वाले मैचेस में। सो यहाँ पर हम लोग एनालाइज करेंगे कि कौन से 3 गोलकीपर, जी हाँ 4 में से 3 ही फाइनल स्कोर में आएंगे, तो कौन कौन से। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन ये वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। एक तो कि कौन से 3 गोलकीपर्स होंगे जो कि फाइनल स्कोर में होंगे, एंड सेकेंड चीज जो कौन स्टार्ट करेगा। जी हाँ दोस्तों, कौन स्टार्ट करेगा ये दोनों मैचेस कुवैत के साथ और कतर के साथ ये फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। तो आइए बात करेंगे। एंड वीडियो स्टार्ट होने से पहले ऑब्वियसली अभी आपको लग रहा है कि भाई मुंह में कुछ पान रखा है क्या, या कि तोतला ऐसा क्यों बोल रहा है, कि ऐसा है कि भाई मुझे अल्सर हो चुका है जिसको हिंदी में बोलते हैं छाला, तो उसके वजह से थोड़ा तोतला जैसा है, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं मुंह में पान रखा है। बट इग्नोरिंग दैट, अब आ जाते हैं। तो प्रोबेबल स्कोर हमारे ईगो स्टीमैन ने अनाउंस की, तो उसमें 4 गोलकीपर्स हैं मेनली गुरप्रीत सिंह सांडू, सेकेंड जो चॉइस है हमारे अमरिंदर सिंह, तीसरे और चौथे विशाल के एंड फुलवाना चिल्वर, ठीक है लाशेंगपा। तो ये 4 गोलकीपर्स है। अब पहला क्वेश्चन आता है कि भाई आप कौन से 3 गोलकीपर्स को लेके जाओगे ये फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर है। अभी ये देखना पड़ेगा, अब ये मैं अज्यूम कर रहा, ठीक है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के बाद हम लोग एक यंग स्टार्ट देंगे, ठीक है, एक नई स्टार्ट देंगे जहाँ पर हम लोग यंगस्टर्स को ज़्यादा चांस देंगे, ठीक है। तो वो मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या करते, चलो ठीक है, अपने यहाँ 2 ऐसे गोलकीपर्स हैं जो ज़्यादा इंडिया के लिए खेले नहीं, जो कि है हमारे विशाल के एंड लाशेंगपा, ठीक है। तो ये 2 को तो मैं रखना चाहता हूँ, ठीक है, ये 2 को तो मैं रखना चाहता हूँ। तो ये 2 मेरे गोलकीपर्स होंगे फाइनल स्क्वाड में। अब बात आ जाती है कि गुरप्रीत सिंह सांडू को रखोगे या अमरिंदर सिंह को रखोगे, बिकॉज दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों का एक्सपीरियंस है, और अभी मेरे हिसाब से दोनों में से 1 को रखना चाहिए। बिकॉज कैसा है कि अगर आप एक फ्यूचर के लिए देख रहे हो, फ्यूचर के लिए देख रहे हो, तो भाई विशाल के और लाशेंगपा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो द थिंग इज दैट कि गुरप्रीत सिंह सांडू हमेशा से नंबर 1 आते ही है, एंड जो अमरिंदर सिंह है नंबर 2। तो ऑब्वियसली अमरिंदर सिंह ज़्यादा मौका मिलता नहीं है, एंड रिसेंटली ही हैज़ बीन ओके, वो अच्छे हैं, ही हैज़ बीन ओके डिसेंट, एंड कतर के साथ हमको पता है कि उन्होंने कैसे परफॉर्म किया था, डिसेंट एवरेज परफॉर्मेंस था। सो मेरे हिसाब से मेरा ये कहने का मतलब है कि गुरप्रीत सिंह सांडू नंबर 1 है, एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस इंडिया के लिए खेल चुका है, तो उसको तो मैं लूंगा, ठीक है, वो हमारा नंबर 1 रहेगा। और बाकी के जो 2 यंग गोलकीपर्स है विशाल के एंड लाशेंगपा, तो ये 2 गोलकीपर्स, तो टोटल 3 गोलकीपर्स के साथ मैं जाऊंगा, एंड मैं अमरिंदर सिंह को ड्रॉप करूंगा। जी हाँ, अब ओडिशा FC फैंस बोलेंगे भाई ये क्या कर दिया तुम लोग, बुरा मानोगे, बट द थिंग इज इट इज द रियलिटी। मैं ये 3 गोलकीपर्स के साथ जाऊंगा, गुरप्रीत सिंह सांडू क्यों, क्योंकि एक्सपीरियंस है, बाकी के 2 गोलकीपर्स दिमाग में ये रख रहा हूँ कि भाई अपना फ्यूचर है, अपन नए स्टार्ट करेंगे, तो नए स्टार्ट में अपने को विशाल के और लाशेंगपा दोनों की जरूरत है, ठीक है, एक की नहीं जरूरत है, दोनों की जरूरत है। इनफैक्ट मुझे पता है ईगो स्टीमैन 1 को निकाल देगा, बट मैं दोनों को लूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल ये कहता है कि भाई आप स्टार्ट किसको कराओगे, कुवैत वाले गेम में एंड कतर वाले गेम में, स्पेसिफिकली जो मेन मैच है हमारा वो कुवैत वाला है। तो कुवैत वाले गेम में आप किसको स्टार्ट करोगे, गुरप्रीत सिंह सांडू को स्टार्ट करोगे या कौन से यंग गोलकीपर को स्टार्ट करोगे। द थिंग इज दैट कि लोग ऑब्वियसली बहुत लोग बोल रहे हैं कि देखो कैसा ये एक्सपीरियंस वाले जो बुड्ढे गोलकीपर्स है, ठीक है, जो बुड्ढे प्लेयर्स है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, सीनियर प्लेयर्स है, इनसे कुछ नहीं होना, बिकॉज ये 6 महीने में इन्होंने बता दिया कि इनसे कुछ होने नहीं वाला, ये लोग थक चुके हैं। आई कैन अग्री, ठीक है, आई कैन अग्री, गुरप्रीत सिंह सांडू ने भी कहीं ना कहीं हद तक अच्छा नहीं खेला, ठीक है, कहीं ना कहीं तक अच्छा नहीं खेला है, बट ही हैज बीन डिसेंट इन अफगानिस्तान के 2 गेम्स में, ऑल द पेनल्टी अवॉइड कर ली थी उसने। द थिंग इज दैट अब बोल रहे हैं कि भाई यंगस्टर्स को चांस दिया जाए, ठीक है, यंगस्टर्स को चांस दिया जाए, मेरा तो ये कहने का मतलब है, मैं फिर से वही बात लाऊंगा कि देखो हम लोग है सोच रहे फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर के सोच रहे हैं, बट द थिंग इज दैट कि ये लास्ट जो मैच है, ठीक है, ये लास्ट जो मैच है, इसके बाद ऑब्वियसली हम लोग ये अज्यूम करें कि भाई नई स्टार्ट करेंगे हम लोग नए प्लेयर्स के साथ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने साल से, 4 या 5 साल से हमारा जो नंबर 1 गोलकीपर है गुरप्रीत सिंह सांडू, भले क्लब के लिए अच्छा नहीं खेलता, ऊपर नीचे फॉर्म हो, बट व्हेन इट कम्स टू कंट्री गुरप्रीत सिंह सांडू हमेशा अच्छा करते हैं, और मुझे लगता है कि वो स्टार्ट करेंगे और वो स्टार्ट करने चाहिए। द थिंग इज दैट कि लास्ट के 2 मैचेस है, ठीक है, लास्ट के 2 मैचेस है, आपको पता है ये मैच अगर जीतोगे हिस्ट्री क्रिएट कर दोगे, तो ये लास्ट 2 मैचेस में हम लोग एक्सपीरियंस प्लेयर्स को एक साथ ही जाएंगे, और एक बार राउंड 3 पहुंच गए, एक बार राउंड 3 पहुंच गए तो बस आपके पास 10 मैचेस है, आप 5 विशाल किरण को दे दो, 5 लाशेंगपा को दे दो, तो ये जो 2 मैचेस है इसमें एक्सपेरिमेंट करने की कोई कोशिश नहीं, मत कीजिए, एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा जो एक्सपीरियंस गोलकीपर है उन्हें स्टार्ट कीजिए, जो कि है गुरप्रीत सिंह सांडू। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से हमें सोचना चाहिए रिगार्डिंग द इंडियन फुटबॉल टीम, एंड मेरे हिसाब से तो 3 गोलकीपर्स प्रोबेबल स्क्वाड में फाइनल
फाइनल स्क्वाड में होंगे विशाल के लाजिंगपा एंड गुरप्रीत सिंह संधू। स्टार्ट कौन करेंगे दोनों मैचेस में, मैं जाऊंगा गुरप्रीत सिंह संधू। बाकी अगर क्वालिफाई हो गए तो बाकी के 10 मैचेस जो राउंड 3 में मिलेंगे उसमें आप विशाल के लाजिंगपा दोनों को स्टार्ट करो, ठीक है, दोनों को स्टार्ट करो, 5-5 मैचेस दोनों को स्टार्ट करो। तो ये मेरा कहने का मतलब है। एंड या इसी के साथ यार वीडियो खत्म होता है। डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन आपका क्या कहना है, आप मेरे से अग्री करते हो या नहीं अग्री करते हो, आपको कौन 3 गोलकीपर चाहिए, कौन स्टार्ट करेगा अगेंस्ट कुवैत, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, एंड इसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।